कल तुम अपनी एक सहेली की शादी में गई थी ना, कैसा रहा सब? सर शादी तो बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन मेरी सब पुरानी दोस्त मेरे पीछे ही पड़ गई कि मैंने अब तक शादी क्यों नहीं की। अच्छा, फिर तुमने क्या कहा? मैंने कहा यार पहले तो एक अच्छा लड़का मिलना चाहिए, फिर मुझसे वो ये ना कहे कि शादी के बाद पुलिस की नौकरी छोड़ो और घर में बैठो। सर लड़का मिले ना मिले, मैं पुलिस कभी ना छोड़ू। इतनी मायूस मत हो भाई, लड़का मिलेगा। वैसे सर आपका शादी का टाइम भी वैसे भी आ गया है। हाँ वो तो है, लेकिन थोड़ा मुश्किल। क्यों सर? अरे भाई पहले एक अच्छी लड़की तो मिलनी चाहिए ना। सर मिल जाएगी, ढूंढिए तो सही। ढूंढने के लिए टाइम चाहिए, टाइम कहाँ अपने पास। मुझे लगता है बाई चांस ही कोई लड़की मिलेगी मुझे एक्सीडेंटली। गोली चलने की आवाज़। एक्सीडेंट भी हुआ है सर। सर वो देखिए गाड़ी टकराई है पेड़ से, अंदर कोई है। हेलो हेलो, ओह माय गॉड, आप ठीक तो है? आपको ज्यादा चोट तो नहीं आई है? मैंने उसका खून कर दिया, वो मुझे मार डालेंगे। सुनिए, बेहोश हो गई। यस डॉक्टर। एक्सरे की रिपोर्ट जल्दी से जल्दी लेकर आओ और ब्रेन स्कैन की तैयारी करो, दिमाग में चोट लगी है। ओके डॉक्टर। हाँ डॉक्टर सर। अब वो खतरे से बाहर है, मगर एक्सरे देखने के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है। आप लोग चाहें तो उनसे बात कर सकते हैं, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। आइए मेरे साथ। डॉक्टर ने कहा है डरने की कोई बात नहीं है, अब जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी हाँ, आप कुछ कह रही थी ना कि कोई आपको मारना चाहता है। उन्होंने उसे मार दिया, वो मुझे भी मार डालेंगे, मुझे मार डालेंगे। कौन है ये लोग, किसको मारा इन्होंने? वो एक लंबा सा आदमी था, ऐसे कुछ बाल थे उसके, स्विमिंग पूल के पास मार दिया उसे। कहाँ पे, किस जगह पे हुआ ये? वो वहाँ एक बंगले पे, एक गेट है, बड़ा सा गेट है उस बंगले को, सूरज का निशान है गेट पे बना है, एक सूरज। सूरज? हाँ वही मार दिया स्विमिंग पूल के पास, मार दिया उसे, मुझे वो मार डालेंगे मुझे। देखिए कुछ नहीं होगा आपको, हम लोग सीआईडी से हैं, आपको कुछ नहीं होने देंगे। अच्छा आप उस आदमी का नाम क्या है जिसका खून हुआ है? नाम? अच्छा जिस आदमी ने उसे मारा है उसे आप पहचान सकती हैं? हाँ पता नहीं। अच्छा आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुछ याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा मुझे? डॉक्टर क्या हो गया मुझे? क्यों याद नहीं आ रहा? आप लोग प्लीज जरा बाहर प्लीज। नर्स। यस डॉक्टर। इन्हें सुला दो, इंजेक्शन लगा दो। नहीं। इस लड़की को कुछ गहरा धक्का लगा है, शी इज सफरिंग फ्रॉम पोस्ट शॉक ट्रॉमा, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए पेशेंट को कुछ याद नहीं रहता। इनकी हालत कुछ सुधर जाए तब आइएगा आप लोग। मगर जिसने खून किया है वो तो खुलेआम घूम रहा है। सर एक्सीडेंट यहाँ हुआ है जू एरिया में, कार वर्सोवा की तरफ से आ रही थी, शायद सेंटा क्रूज जा रही हो। वर्सोवा की तरफ से? यस सर। आ गया, कोई अच्छी खबर है कि नहीं? सर हमने यहाँ पर हर जगह देख लिया है मगर किसी ने भी कोई खून होते हुए नहीं देखा। मगर वो लड़की कह रही कि उसने खून होते हुए देखा है।
अच्छा वो बंगला दिखा जो उस लड़की ने बताया था? नहीं सर, इस पूरे रास्ते में ऐसा कोई बंगला नहीं है जिसके गेट पर सूरज बना हो। हेलो एसीबी प्रद्युमन, यार हाँ ठीक है, हम वहां आते हैं। ओके, वो गाड़ी यहां पहुंच गई है पुलिस गैराज में, जाके देखते हैं। डार्लिंग रोजी, खोल के देखना पड़ेगा। डॉम सर, ये इस गाड़ी के मालिक हैं। ओ आइए कहिए। अरे मेरी गाड़ी का ये हाल करके भाग गया। अगर वो राजपाल मुझे एक बार मिल जाए तो मैं उसको ठीक कर दूं। ये राजपाल कौन है? मेरा कस्टमर है सर, जब भी मुंबई में आता है मेरे से गाड़ी किराए पर लेता है। ओ, तो ये गाड़ी आपने उसे किराए पर दी थी? जी, कल उसने ये गाड़ी ली और आज अचानक उसने फोन कर दिया कि मुझे जरूरी काम है, मैं दिल्ली वापस जा रहा हूँ, गाड़ी ओपेरा हाउस से उठवा लेना, और मेरी गाड़ी ओपेरा हाउस में छोड़कर भाग गया। फिर क्या? कुछ नहीं, मैंने वहाँ आदमी भेजा, वहाँ गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी, फिर पुलिस ने मुझे यहाँ भेज दिया। आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं नहीं नहीं। आपकी ये गाड़ी ये लड़की चला रही थी। अरे मेरी गाड़ी इसके हाथ में कैसे आई? सर आदर, सर लड़की के हाथ में गाड़ी कैसे आई ये समझ में नहीं आ रहा सर। हमने टूरिस्ट लॉज में जाके राजपाल का कमरा चेक किया मगर हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। हाँ सर, लॉज का मालिक बता रहा था ये राजपाल दिल्ली में किसी एक्सपोर्ट कंपनी में काम करता है। इस लॉज के रजिस्टर में राजपाल का पता लिखा नहीं था? लिखा हुआ था सर, लेकिन सिर्फ दो शब्द लिखे हुए हैं, वसंत विहार न्यू दिल्ली, बस। राजपाल को ढूंढने में काफी समय लग सकता है और हमें ये भी पता नहीं कि इस केस में उसका हाथ है भी या नहीं। सर सर, इस लड़की का फोटो अखबार में दे दे, शायद इसके बारे में हमें कुछ पता चल जाए। लड़की ने खून होते हुए देखा है, वो ये भी कह रही कि कोई उसे मारना चाहता है, अगर उसका फोटो अखबार में छपा तो और भी गड़बड़ हो सकती है। हमें पहले उन लोगों का पता लगाना चाहिए जिन्होंने ये सब किया है। एक बात तो बहुत अच्छी हो गई है कि उस लड़की के दिमाग के अंदर कोई चोट नहीं लगी है, अब वो बिल्कुल ठीक है और घर जा सकती है। उसे कुछ याद आया? यही तो बात है, कुछ याद नहीं आया, सिर्फ उस खून के बारे में बातें करती रहती है, वो स्विमिंग पूल, वो गेट। हेलो एसीबी प्रद्युमन, हाँ हाँ ठीक है, उन्हें यहाँ हॉस्पिटल में ही भेज दो। ओके। तारदेव पुलिस स्टेशन में एक लड़की नुपुर के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई गई है, हो सकता है वो नुपुर यही लड़की हो, उसके अंकल उसे यहाँ देखने आ रहे हैं। चलो अब कैसी हैं आप? ठीक हूँ, लेकिन कुछ याद नहीं आ रहा मुझे, मेरा नाम तक नहीं। इसे पहचानते हैं आप? नहीं, किसकी है ये? आपको रोजी याद है? नहीं, कुछ धुंधला धुंधला सा याद है। कोई बात नहीं, आपको जो भी याद है आप इन्हें बताइए। दे जरा कुर्सी दी। मुझे वो जगह याद है। अच्छा जरा बताना वो जगह कैसे दिखती है? एक बड़ा सा गेट है, कुछ यूं
यूं और तो लोहे के दरवाजे थे, उसपे सूरज बना हुआ था, नहीं दोनों दरवाजे पर सूरज बने हुए थे। आपने बताया था कि उस आदमी को स्विमिंग पूल के पास मारा था? हाँ। कैसे मारा था? पिस्टल से गोली मारी थी उसे। नहीं, शायद चाकू से मारा था। उसकी पूरी कमीज लाल हो गई थी खून से। चाकू था या पिस्टल थी? से बताऊं क्या था? नूपुर, बेटे नूपुर, क्या हो गया तुम्हें? ये तुम हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? और ये सब लोग कौन हैं? आप मिस्टर सनावर हैं? जी। चलिए हम जरा बाहर चल के बात करते हैं। आइए अभिजीत सर, जरा इन्हें बाहर ले जाओ। आपको जो भी याद है आप इन्हें बताइए, ये ड्राइंग बनाएंगे। वो गेट है ना, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। आप लोग कौन हैं? हम लोग सीआईडी से हैं। हो, सीआईडी से? देखिए साहब, ये लड़की नूपुर मेरी भतीजी है और अगर इसने कुछ किया है तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं, इसलिए कि उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि वो क्या कर रही है। क्या मतलब? जब से इसके माता पिता की मौत हुई है तब से इसके दिमाग की हालत कुछ ठीक नहीं है। हम लोग कलकत्ते में रहते हैं, मैं मुंबई किसी काम से आ रहा था तो इसको भी साथ लेता आया। कल शॉपिंग कर रहे थे और ये ओपेरा हाउस पे अचानक न जाने कहाँ गायब हो गई। ओपेरा हाउस? सर यहीं से तो ये कार चोरी हुई थी। कार? इसने कार चुराई? ये गाड़ी चला रही थी? ओह माय गॉड। क्यों, क्या हुआ? सब, ये लड़की हमारे साथ कलकत्ते में रहती है और उसके माता पिता टाटा नगर में रहते थे। ये किसी कॉलेज के ड्रामे में काम कर रही थी, बस सिर्फ पकड़ ली कि माँ बाप का आना ज़रूरी है। वो लोग बेचारे वहाँ से कार में निकले, रास्ते में एक्सीडेंट हुआ और मारे गए। बस तब से ऐसा होता है, ये समझती है कि इसके माँ बाप की मौत इसकी वजह से हुई। बस जब जब ये जुनून सवार होता है साहब, ये गाड़ी में बैठती है और एक्सीडेंट कर देती है। दो बार, इससे पहले भी दो बार इस तरह से इसने आत्महत्या करने की कोशिश की है। ये रोजी कौन है? रोजी मेरी बेटी है। आपके पास क्या सबूत है कि ये नूपुर आपकी भतीजी है? सबूत? सबूत से क्या मतलब आपका? देखिए, हमारी तसल्ली के लिए हमें सबूत चाहिए। अब देखिए, मेरे पास ये फोटोज हैं जो मैं पुलिस को दिखाने लाया था। अब ये छोटी वाली बच्ची रोजी है। अब देखिए नूपुर इसमें कितनी खुश लग रही है। नहीं, जब ठीक रहती है तो बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन बस छः महीने में एक दो बार ज़रूर उसके दिमाग पर असर हो जाता है और फिर तो वो बिल्कुल दूसरी दुनिया में चली जाती है। और तब क्या होता है? तब क्या बताऊँ साहब, नूपुर ऐसी ऐसी कहानियाँ बनाती है कि सुनने वाले का दिल दहल जाता है। सर, हाँ भैया सर, वो लड़की बहुत घबराई हुई थी, बस गेट के बारे में ज़्यादा बोल रही थी, वही बना दिया। सर पता नहीं ये लड़की भी सच बोल रही है या नहीं, या जैसा उसके चाचा ने कहा उसने कोई नई कहानी तो नहीं बना ली। सर मुझे तो इसके चाचा पे भी शक हो रहा है, कहीं वो भी फेंक तो नहीं रहा है। अभिजीत, मैंने सुधाकर को इन लोगों के पीछे लगे रहने के लिए कहा है, अब देखते हैं वो चाचा कहाँ कहाँ जाता है। सर अगर नूपुर ने सचमुच खून होते हुए देखा है फिर तो उसकी जान को खतरा है। मुझे तो वो सब कुछ नूपुर का वहम लग रहा है। सर सर, नागनाथ आने वाले हैं अपनी गाड़ी लेने। ठीक है। सर सर जी, नमस्कार सर। सर आपको थोड़ी सी तकलीफ देनी है। वो क्या कि इंश्योरेंस वालों को सर्टिफिकेट चाहिए कि गाड़ी में क्या क्या नुकसान हुआ है, तो मैंने लिस्ट बना ली है, आप बस जरा सा साइन कर दीजिए। सर ये क्या है, इसमें तो लिखा कि आपने आपकी पूरी गाड़ी टूट गई है, हर चीज़ को 10 गुना बढ़ा चढ़ा के लिखा है आपने। आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कि जंबो जेट का? वो क्या है सर कि इंश्योरेंस के लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। बेकार की बातें मत करो, समझे, मैं इस पर साइन नहीं करूँगा। नाराज मत होइए सर, आप कहते हैं तो 3-4 चीज़ें काट देता हूँ। चुप, दूंगा भी घुमा के, सही हो जाएगा। तो पेड्रिक्स सर, तुम नई लिस्ट बनाओ, मैं बताता हूँ क्या क्या टूटा है। बोनट गया हुआ है, लेफ्ट की हेडलाइट, बम्पर टूटा है, नंबर प्लेट,
फ्रंट लेफ्ट बॉडी, पिछला टायर। ये क्या गोली? इसका मतलब वो लड़की सही कह रही थी, कोई उसे सच में मारना चाहता है। सर, सर सुधाकर का फोन था, वो लोग सुधाकर को चकमा देकर कहीं भाग गए। हाँ सुधाकर। सर वो लोग इस गेट के अंदर घुसे और वॉचमैन से किसी आदमी का नाम पूछा कि ये आदमी यहाँ रहता है क्या, और पीछे वाले गेट से निकल गए। मुझे तो पता ही नहीं था कि बिल्डिंग के पीछे दूसरा गेट भी है, और टैक्सी में बैठकर चले गए। वो लोग टैक्सी में बैठ के गए? हाँ, वॉचमैन ने देखा उन्हें टैक्सी में बैठते हुए। हेलो डिमेलो, मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते भैया, देखो गुलमोर अपार्टमेंट्स खार में से दो आदमी और एक लड़की टैक्सी में बैठ कर निकले थे करीब 11 बजे। मुझे ये पता करना है उस टैक्सी वाले ने उन्हें कहाँ पर छोड़ा था। हाँ मैं मानता हूँ हम लोग पुलिस वाले, लेकिन हम लोग कोई भगवान थोड़ी ना भाई। तुम भी दिखा दो लोगों को कि टैक्सी वाले क्या क्या कर सकते हैं, लेकिन जरा जल्दी, किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। ओके भैया, ऑफिस से फोन आया। कार गुलमोहर अपार्टमेंट से 11:30 बजे एक टैक्सी ने कुछ पैसेंजर उठाए हैं, दो आदमी और एक लड़की है। पता ये लगाना है कि वो लोग कहाँ पे उतरे। क्यों, क्या हुआ? अरे भाई CID का चक्कर है। CID का चक्कर है? हाँ, तब तो पता करना ही चाहिए। हाँ चलो भाई, फैला दो सारे में। हाँ, चलो मैं भी फैलाता हूँ। सुन लो सब लोग, दो आदमी एक लड़की कार से उठाए थे भाड़ा 11 बजे, ढूंढो जल्दी कहाँ गए। हाँ हाँ, दो आदमी थे, साथ में एक लड़की भी थी, कार से उठाया था किसने भाड़ा, जाओ ढूंढो। 11 बजे खार से दो आदमी एक लड़की, 11 बजे दो आदमी एक लड़की खार से, जल्दी से पता करो टैक्सी कहाँ गई। 11 बजे खार से दो आदमी एक लड़की, जल्दी से पता करो टैक्सी कहाँ गई, जल्दी से पता करो। 11 बजे दो आदमी एक लड़की, हाँ पता करो टैक्सी कहाँ गई, ढूंढो टैक्सी कहाँ गई, दो आदमी एक लड़की थे। 11 बजे अरे सुनो भाई, 11 बजे खार से दो आदमी थे और एक लड़की भी थी। 11 बजे खार से मैंने उठाया था भाड़ा, उन लोगों को मत ले गया था मैं। क्या मिल गया? वो दो आदमी और एक लड़की कहाँ पे गए थे उनका पता लग गया? भाई कमाल कर दिया टैक्सी वालों ने, भाई तुम्हारा वायरलेस तो हमारे वायरलेस से भी तेज निकला। अच्छा भैया पता तो बताओ वो लोग कहाँ पे गए। भग मारी है मुझे, भग मारी है मुझे। देखो बेटे ठीक से याद करो को टेप कहाँ रखे। मुझे कुछ याद नहीं। नाटक बंद कर और ठीक ठीक बता कि वो टेप कहाँ है, वरना जान से मार दूंगा। प्लीज मिस्टर सनावर, मुझे कुछ याद नहीं है। देख मेरे दिमाग में आग लगी हुई है, मेरे हाथों से कुछ हो ना जाए। मैं सच कह रही हूँ, मुझे ये नहीं पता कि आप किस टेप के बारे में बात कर रहे हैं। देख लड़की, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, लेकिन मैं 3-4 घंटे के अंदर फिर वापिस आऊंगा, और तब तक तू याद करके रख कि वो टेप कहाँ है, नहीं तो इस घर से तेरी लाश ही बाहर जाएगी। मुझे मत मारो। जनक भाई बस समझ लो सत्यानाश हो गया। अरे उस लड़की की याददाश्त चली गई। नहीं नहीं, झूठ नहीं बोल रही है। नहीं जनक भाई, ड्रामा नहीं कर रही है, उसे सचमुच टेप के बारे में कुछ याद नहीं। ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूं, हाँ फिर देखेंगे क्या करना है। ठीक है तारिया। हाँ देख सुन, CID वाले आ रहे हैं तेरी तरफ, तू लड़की को खत्म कर और फौरन वहां से निकल ले। तारिया खोलो।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.